गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है आज हम हमारे पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऋण की शर्तें अभी पिछली कक्षा में हमने दो प्रकार के ऋणों के ऊपर बात की थी औपचारिक और अनौपचारिक यानी कि जब सरकारी नियंत्रण की किसी भी संस्थान से व्यक्ति ऋण लेता है तो उसे क्या बोला जाता है औपचारिक ऋण और जब कोई भी व्यक्ति सरकारी नियंत्रण से बाहर की संस्थाओं से जैसे किसी साहूकार से किसी प्राइवेट कंपनी से या किसी व्यापारी से या किसी अमीर आदमी से अगर पैसा उधार लेता है तो उसको क्या बोला जाता है अनौपचारिक ऋण अब ऋण लेने के लिए ऋण की कुछ शर्तें हैं उसके लिए मैंने आपको समर्थक ऋण आधार के बारे में बताया था क्या बताया था समर्थक ऋण आधार यानी कि जो भी व्यक्ति कर्जदार होता है जिसे कर्ज लेना होता है उसे गारंटी के रूप में या तो अपनी इमारत या अपनी कोई भूमि या अपने गहने या अपने पशु जो है गारंटी के रूप में बैंक के पास क्या करने होते हैं गिरवी रखने होते हैं और जब तक वो कर्ज का भुगतान नहीं कर देता तब तक कर्जदार से कर्जदार की इन संपत्तियों के ऊपर किसका अधिकार रहता है बैंक का अधिकार रहता है तो इन सारी वस्तुओं को क्या बोला जाता है समर्थक ऋण आधार बोला जाता है कि ऋण को प्राप्त करने के लिए गारंटी के रूप में जो वस्तुएं बैंक के पास गिरवी रखी जाती है उसको क्या बोला जाता है समर्थक ऋण आधार बोला जाता है जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं कर्ज लेने के लिए करते हैं अब कुछ शर्तें होती हैं शर्तें का मतलब होता है जिन वस्तुओं की जरूरत ऋण लेने के लिए पड़ती है जिस जिन औपचारिकताओं को हम ऋण लेने के लिए पूरा करते हैं उनको क्या बोला जाता है ऋण की शर्तें जैसे पहली तो शर्त क्या होगी ब्याज दर कि सबसे पहले तो ब्याज की दर निर्धारित होगी जैसे बैंक कह देगा मैं चौदह प्रतिशत के ऊपर आपको क्या दूंगा ब्याज दूंगा ये दर लूंगा ब्याज दर दूसरी चीज शर्त क्या होगी समर्थक ऋण आधार यानी कि आपको कुछ ना कुछ चीज जो है कर्ज जब अगर ले रहे हैं तो आपको किसको देनी पड़ेगी बैंक को जमा करानी पड़ेगी तीसरी बात कागजात जिनके ऊपर आपको क्या करने होंगे साइन करने होंगे और चौथी जो बात होगी वो भुगतान का तरीका कि आप दो किस्तों में देना चाहेंगे चार किस्तों में देना चाहेंगे जिस भी तरीके से आप दो साल में देना चाहेंगे वो कर्ज या एक साल में या पांच साल में तो इन सारी चीजों को क्या बोला जाता है ऋण की शर्तें यानी कि ऋण देते समय जिन आवश्यक बातों को के जरिए मध्यस्था की जाती है या जिन आवश्यक बातों का पालन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है ऋण की शर्तें ये प्रश्न आ जाता है कई बार ऋण की शर्तों से आप क्या समझते हैं यानी कि जिन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए ऋण दिया जाता है जिन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और पूर्ण करते हुए ऋण दिया जाता है उनको क्या बोला जाता है ऋण की शर्तें बोला जाता है यह कितनी होती है महत्वपूर्ण चार होती हैं तो ऋण की शर्तों में एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में फर्क आ जाता है कैसे आ जाएगा मैंने आपको दो प्रकार के ऋण बताए थे औपचारिक और अनौपचारिक जो अनौपचारिक होता है उसके अंदर कागजात की कोई जरूरत नहीं पड़ती है समर्थक ऋण आधार की भी कोई ज्यादा जरूरत उसके अंदर नहीं पड़ती लेकिन औपचारिक जगह आप करोगे तो वहां पर इन सारी चीजों की क्या पड़ जाएगी आपको जरूरत पड़ जाएगी तो अलग अलग प्रकार की संस्थाओं से ऋण लेने के लिए आपको अलग अलग प्रकार की या आवश्यकताओं को क्या करना पड़ता है पूर्ण करना पड़ता है उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो होता है भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख औपचारिक का मतलब जो बैंकों से ऋण लिया जाता है उसके अंदर जो साख है उसके बारे में आप बताइए तो बैंक जो होता है हमने ऊपर के उदाहरण में देखा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं तो उसमें हमारे पास दो चीजें आई थी दोनों मैंने आपको बता दी औपचारिक और अनौपचारिक तो औपचारिक में कौन से बताए थे मैंने आपको बैंक और सहकारी समितियां बता दी अनौपचारिक में मैंने आपको क्या बताए थे साहूकार है व्यापारी है मालिक है रिश्तेदार है या दोस्त है ये आपको दिए गए यहाँ पर एक आरेख दिया गया इसमें आप देख सकते हैं कि जो बैंकों से जो धन लिया जाता है वो कितना है पच्चीस प्रतिशत है साहूकारों से लिया जाता है वो कितना है तेतीस प्रतिशत है यहां आप देख सकते हैं जो औपचारिक जो स्त्रोत है उसकी अपेक्षा अनौपचारिक सत्रोतों की संख्या है क्योंकि जमींदार से ले रहा है एक परसेंट वो भी क्या है अनौपचारिक है मित्रों से ले रहा है कितना आठ परसेंट ये भी क्या है अनौपचारिक है उसके बाद में दो प्रतिशत अन्य भी हैं सरकारी कितना है एक प्रतिशत और पच्चीस प्रतिशत तो मोस्टली जो है ज्यादा जो है व्यक्ति किससे ले रहा है अनौपचारिक ऋण से भी ले रहा है तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो क्या करता है औपचारिक जो ऋण होते हैं उनकी कार्य प्रणाली पे पूरा नजर रखता है क्या कौन रखता है औपचारिक जो क्रिया प्रणाली जो होती है उसके ऊपर ऋण रखने का काम किसका होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कई बार तुलना भी आ जाती है ये तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा मैंने आपको बताया था अपने पास रखता है कितने प्रतिशत रखता है पंद्रह रखता है और वास्तव में जो है आरबीआई इनके ऊपर नजर रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही क्या ना दे उधार ना दे बल्कि जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है जो किसान है जो गरीब व्यक्ति है छोटे किसान है छोटे उद्योग वाले व्यक्ति है छोटे कर्जदारों को भी क्या दे ऋण दे और समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को, को यह जानकारी भी देनी पड़ती है कि वे कितना और कौन सा और किसको क्या दे रहे हैं ब्याज पर पैसा दे रहे हैं जबकि जो अनौपचारिक जो क्षेत्र है उसके ऊपर ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई भी संस्था नहीं है अभी मैंने आपको बता दिया था कोई संस्था नहीं है जिस व्यक्ति के पास अपनी निजी संपत्ति होती है वो किसी भी तरीके से उसको क्या कर सकता है उधार दे सकता है तो ये सारी की सारी किस पे होती है इच्छिक दरों पर देते हैं अपनी इच्छा के अनुसार ऋण लेते हैं और उन्हें नाजायज तरीके से भी क्या देना पड़ता है पैसा देना पड़ता है और उनको कोई भी रोकने वाला नहीं होता या हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसमें औपचारिक सत्रोत और अनौपचारिक में तुलना कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि जो अनौपचारिक जो स्त्रोत है वो किसके नियंत्रण में काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किसके नियंत्रण में काम करता है रिजर्व बैंक के जबकि अनौपचारिक है उस पर इसका नियंत्रण नहीं है क्या नहीं नियंत्रण नहीं है दूसरा क्या होता है ब्याज दर इसकी क्या होती है औपचारिक की तो कम होती है अनौपचारिक की ब्याज दर क्या होती है ज्यादा होती है जो औपचारिक होता है उसकी ब्याज दर हमेशा क्या होती है कम होती है अनौपचारिक की जो ब्याज दर है वो हमेशा क्या होती है ज्यादा होती है तीसरा पॉइंट हम क्या बताएंगे यहां औपचारिक जो होता है उसकी जो ऋण शर्त जो होती है वापसी की वो आसान होती है ऋण की शर्तें क्या होती है औपचारिक की थोड़ा थोड़ा लिख के बता देता हूं ये हो गया औपचारिक और ये हो गया अनौपचारिक यहां तीसरी क्या होगी शर्तें आसान है इसकी तो इसकी शर्तें क्या होती है आसान और इसकी क्या होती है कठोर होती है इसकी क्या होती है कठोर होती है चौथी बात समर्थक ऋणाधार की मांग की जाती है ये मैंने आपको बता दिया था पहले कुछ राशि जमा करानी पड़ेगी यहां इसकी मांग नहीं होती नंबर पांच पे क्या होगा कागजी कार्रवाई होती है लंबी कागजी कार्रवाई और यहां पर कागजी कार्रवाई नहीं होती है ये अंतर है इन दोनों में जो औपचारिक जो ऋण होते हैं उसमें इसमें फर्क है एक और भी अंतर आप कर सकते हैं अगर छठा करना चाहे जो औपचारिक ऋण है वो बैंकों से लिया जाता है सहकारी समिति से लिया जाता है अनौपचारिक जो ऋण है वो साहूकार से व्यापारी से अमीर व्यक्ति से या किसी रिश्तेदार और मित्र से लिया जाता है उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है तो अगर हम आलेख के अंदर पीछे हमने देखा था कि शहरी लोगों के लिए जो क्षेत्र होता है वहां तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों को ही क्या किया जाता है महत्व दिया जाता है और आलेख में हमने गरीब से अमीर लोगों को चार भागों में बांटा है किसमें बांटा है हमने चार भागों में आप यहां देख सकते हैं यह जो नीला है जो आपको दिखाई दे रहा है यह तो है अनौपचारिक ऋण का क्षेत्र और जो बैंगनी है वो क्या है औपचारिक तो अगर आप गरीब परिवार का देखो पहले आप गरीब परिवार का देखेंगे तो वो किससे लेते हैं ऋण अनौपचारिक से लेते हैं पिचासी प्रतिशत फिर कम संपत्ति वाले देखो वो भी किससे ले रहे हैं त्रेपन प्रतिशत किससे ले रहे हैं अनौपचारिक से जो अमीर लोग हैं वो बेहतर प्रतिशत किससे ले रहे हैं किससे ले रहे हैं औपचारिक से और जो अमीर परिवार है वो नब्बे प्रतिशत किससे ले रहे हैं औपचारिक से यानी कि चार भाग बांट लिए हमने इससे हमें ये पता लग गया जो भारत की जो जनता है उसमें जो आदमी जिसकी संपत्ति कम है जिसके पास या गरीब है वो तो कहां से लेता है ऋण अनौपचारिक सत्रोत से जो व्यक्ति समर्थ परिवार में रहता है अमीर है वो कहां से लेता है औपचारिक स्त्रोत से लेता है किससे लेता है औपचारिक स्त्रोत से लेता है ये हमें यहां पर बता दिया गया है इस आलेख के जरिए अब आप समझ की गए होंगे कि जो निर्धन परिवार है वो अपनी जो जरूरतें होती हैं पिचासी प्रतिशत से ज्यादा वो किससे करते हैं अनौपचारिक सत्रोतों से पूरी करते हैं और उनमें से केवल दस प्रतिशत कर्ज अनौपचारिक स्त्रोतों से जबकि नब्बे प्रतिशत जो है अमीर लोग वो किससे लेते हैं औपचारिक ऋण से लेते हैं अब आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे इसको कि जो गरीब लोग हैं वो कहां से लेते हैं उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है निर्धनों के स्वयं सहायता समूह यानी कि जो व्यक्ति गरीब होता है वो क्या करता है अपने छोटे छोटे समूह बना लेता है पंद्रह या बीस व्यक्तियों के क्या कर लेता है पंद्रह या बीस व्यक्ति जो पड़ोसी होते हैं वो मिलकर के क्या कर लेते हैं बचत कर लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उस बचत में से वो क्या ले लेते हैं उधार के रूप में धन ले लेते हैं तो इस प्रकार स्वयं सहायता समूह के जो ब्याज की दर होती है वो साहूकार से जो ब्याज की दर वसूली जाती है उससे क्या होती है बहुत कम होती है इससे क्या होता है प्रति व्यक्ति जो है सौ रुपए से अधिक जो बचत करने वाले हैं वो बीस तीस व्यक्ति क्या हो जाते हैं मिल जाते हैं और वो व्यक्ति निर्धारित रूप में अपने पास पैसा क्या कर लेते हैं जमा कर लेते हैं तो पिछले खंड में जो हमने देखा है कि निर्धन जो परिवार है वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर निर्भर रह रहे थे अनौपचारिक ऋण के ऊपर तो विस्तार पूर्वक जो है इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे थैंक यू